hello everyone myself muskan sharma and i welcome you to easy nursing lectures hope you all are doing fine सो so, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल डॉट थर्मामीटर के बारे में बहुत ही छोटी वीडियो होगी क्विक सी वीडियो होगी क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है बड़े हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है हमारे लिए इसको जानना कि होता क्या है तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लीव योर लवली कॉमेंट्स दैट मीन्स अ लॉट सो लेट्स गेट इन द वीडियो सो बेसिकली हमारे जो क्लिनिकल डॉट थर्मामीटर्स होते हैं नाम से पता लग रहा है क्लिनिकल डॉट थर्मामीटर सो दैट मीन्स इनके ऊपर यहाँ ऐसे हमें डॉट्स देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे कि ये यह हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट्स देखने को मिलेंगे ठीक है क्या लिखा है सिंगल यूज थर्मामीटर डिस्पोजेबल मतलब आप इसे एक बार यूज कर सकते हो एंड इट इज डिस्पोजेबल आप एक बार यूज किया एंड देन थ्रो इट ओके यूज फॉर पेशेंट्स इन आइसोलेशन अब क्या जरूरत पड़ी थी हमें इसको बनाने की डिस्पोजेबल थर्मामीटर्स को क्योंकि पेशेंट है आइसोलेशन में आइसोलेशन में होते हैं तो थर्मामीटर उनको बार बार मतलब धो के या डिसइंफेक्ट करके हमें यूज करना पड़ता है ठीक है तो स्पेशली उन पेशेंट को जो आइसोलेशन में है सेपरेट है जैसे कोविड नाइनटीन के पेशेंट्स हो गए और किसी इन्फेक्शन

एक मिनट के अंदर अंदर हमें टेम्परेचर पता लग जाता है ठीक है ऐसी पैकिंग में देखने को मिलता है हमें ऐसे पील ऑफ करके ओपन करोगे तो ऐसा होता है दिखने में ठीक है ये जैसे इन्होंने सेल्सियस वर्जन बनाया फ़ारेनहाइट वर्जन बनाया अब इनका जरा एक क्विक हम ले लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम सेल्सियस वाले की बात कर रहे हैं तो जो सेल्सियस वाला हमारा वर्जन होता है उसमें हमारा थर्टी से रेंज कहा से कहा है थर्टी से हमारी रेंज होती है अप टू फोर्टी अप टू फोर्टी पॉइंट फोर फोर तक या फोर फाइव तक अप्रॉक्सीमेटली इसकी हमें रेंज देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ से स्टार्ट है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो ये हमारा क्या है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव है ये थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स है ये थर्टी फाइव पॉइंट सेवन ये थर्टी फाइव पॉइंट एट ये थर्टी फाइव पॉइंट नाइन ठीक है एंड यहां पे फिर 36 तो ये 36 हो गया 36.1 36.2 एंड सो so ऑन ऐसे चलता जाएगा ठीक है तो सेल्सियस वर्जन में जो हमें वेरिएशन देखने की मिलती है वो पॉइंट वन की वेरिएशन होती है ठीक है पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन आगे बढ़ता है ठीक है ये ऐसे ही हम फेर एन हाइट वाले की बात करें तो फेर एन हाइट में कहाँ से कहाँ तक शुरू है नाइंटी सिक्स की रेंज से स्टार्ट है और ये अप टू हमारा वन हंड्रेड फोर पॉइंट एट तक होता है ठीक है 104.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की इसकी वेरिएशन होती है मतलब टोटल ये हमारा इतना होता है ठीक है और इसमें क्या है उसमें हमें पॉइंट वन की देखने की वेरिएशन मिलती थी इधर हमें पॉइंट टू का गैप देखने को मिलता है जैसे कि ये नाइन्टी सिक्स ये हो गया ये नाइन्टी सिक्स हो गया ये हमारा नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर सॉरी नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट ऐसे हमें देखने को मिलता है पॉइंट टू पॉइंट टू छोड़ के हमें देखने को मिलता है अब हमें पता कैसे चलेगा जैसे ही हम किसी इंडिविजुअल के माउथ में से पुटअप करते हैं ठीक है इसे डालते हैं तो क्या होता है जो डॉट्स होती है वो अपना कलर चेंज कर लेती है ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है आपको किस कलर की डॉट्स मिलती है यूजुअली टेम्पर डॉट करके ब्रांड है उसका यूज होता है ज्यादातर इसका डिस्पोजेबल आता है तो इसमें क्या जैसे ऑरेंज कलर की थी पहले सारी की सारी जो आपने देखी अब क्या है जब आप पेशेंट के आपने माउथ में डाला तो एक मिनट बाद आपने चेक किया तो ये कुछ डॉट्स आपको इतनी जैसे ब्लू कलर की दिखी जैसे मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ठीक है यहाँ पे हमें क्या है कुछ डॉट्स हमें ब्लू कलर की दिखी तो अब हम पेशेंट का टेम्परेचर बता सकते हैं कितना टेम्परेचर है तो यहां से हम देख सकते हैं कहां तक है थर्टी तो पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो गया थर्टी डिग्री सेल्सियस गया ठीक है ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है ये जो हमारी पहले फील्ड थी डॉट्स अब यहाँ पे ये जो है वो डल हो गई है डॉट्स तो कहां तक तो हुई है नाइन्टी एट नाइन्टी एट नाइन्टी एट पॉइंट टू नाइन्टी एट पॉइंट फोर नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा 98.6 नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये है आज की टेक्नोलॉजी ऐसे ये यूज होता है ठीक है और ऐसे हम पेशेंट के जो है ओरल टेंपरेचर्स मेजर कर सकते हैं स्पेशली उन पेशेंट का जो आइसोलेशन में है तो ये था हमारा क्लिनिकल डॉट थर्मामीटर होप आपको समझ आ गया अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो so, बाय बाय